कस्टम फॉर्मेटिंग में आप लोग भी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्लास को, तो कस्टम फॉर्मेटिंग का परमिशन दीजिए सर। जी जी दे दिया। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। कस्टम फॉर्मेटिंग में लास्ट क्लास में हमने आपको बताया कि अगर यहाँ पे कोई अमाउंट हम लिखते हैं, कोई भी अमाउंट अगर हम लिखते हैं, अगर उस अमाउंट के ऊपर आगे पीछे कोई चीज़ शो करना है, क्योंकि जनरली अगर हम इसके ऊपर MRP वगैरह कुछ ऐसा लगा देते हैं तो हम इसके अंदर कैलकुलेशन कराएंगे तो हमें एरर आता है, क्योंकि हम किसी भी टैक्स के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे। इसके लिए हमने समझाया था कि हम कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग में जाते हैं, और कस्टम फॉर्मेटिंग में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालते हैं MRP और फिर हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हमें जीरो या हैश डालना होता है। अगर जीरो या हैश नहीं डालते हैं तो क्या दिक्कत होती है, दिक्कत ये होती है कि आपका जो है कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है, मतलब कि आपकी जो वैल्यू है वो दिखेगी नहीं, सिर्फ MRP शो होगा। जैसे मैं अगर मैं कस्टम पे गया और जीरो को डिलीट कर दिया तो जस्ट MRP शो होगी, आपकी वैल्यू विजुअल होगी, आपकी एक्चुअल वैल्यू रहेगी बट दिखेगी नहीं, वो MRP उसको हाइड कर देगा, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि MRP तो नहीं है लेकिन मेरे पास मेरे ट्रांजेक्शन के टाइप है, जैसे कि मेरे पास प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट और लॉस कॉलम है, प्रॉफिट स्लैश लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं अमाउंट डालता हूँ 500 तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, अगर -600 डाला तो हमारा लॉस हुआ, जीरो डाला तो नो प्रॉफिट नो लॉस। अब कोई टैक्स डाल दिया कि डेटा यहाँ पे शॉप SSL शॉप क्लोज या कुछ ऐसा टैक्स डाला तो मतलब कि कोई हमारा डेटा उपलब्ध नहीं था, समझ गया आपको। अब ये मैं चाहता हूँ कि ये इसके हिसाब से चेंज हो जाए, मैं अगर प्लस में मैं नंबर रखूँ तो उसके जगह पे PR लग के आ जाए, अगर मैं यहाँ पे माइनस में करूँ उसके जगह पे लॉस लग के आ जाए, अगर मैं जीरो अगर हो तो वहाँ पे लग के आ जाए नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। टैक्स लिखा हुआ है तो उसके आगे दिख जाए डेटा नॉट अवेलेबल, राइट सर। तो ये कंडीशनल कैसे होगा, तो इसके लिए आपको याद करना होगा मेरा आर्टिकल जो मैंने आपको भेजा था पढ़ने के लिए। चलिए हम उस आर्टिकल को एक बार दोबारा खोलते हैं, राइट। ये आर्टिकल भेजा था, राइट। यस सर। अब इस आर्टिकल में सबसे पहला है कि पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और टेक्स्ट, चार चीज देख रहे हैं, देख रहे हैं सोमन जी? हाँ जी, यस सर। अब दोनों का सेपरेट क्या है, सेमी कॉलन है, क्या है, सेमी कॉलन है। इसका इसका मतलब ये है कि जब हम कस्टम फॉर्मेटिंग लगाते हैं उसके चार स्टेप है, कितने स्टेप है, चार स्टेप है, और हर स्टेप कनेक्टेड है किससे, सेमी कॉलन से। मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे PR डाल दिया और फिर सेमी कोलन डाला तो PR किसको करेगा, प्रॉफिट, इसको पॉजिटिव नंबर को, क्योंकि आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल कहता है फर्स्ट इज द पॉजिटिव। अगर सेकेंड डालते हैं, मतलब सेकेंड डालते हैं यहाँ पे लॉस, तो ये नेगेटिव को ट्रिगर करेगा। थर्ड हमारा जीरो है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है, और फोर्थ हमारा DNA है। ध्यान से देखिएगा सर। तो अगर हमने हमने क्या किया, चारों डाल दिया सीक्वेंस में, तो जो पहला PR है वो इसको पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, दूसरा जो लॉस है वो निगेटिव को रिप्लेस करेगा, और तीसरा जो हमारा
है वो जीरो को रिप्लेस करेगा और चौथा टेक्स्ट को रिप्लेस करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि आर्टिकल कहता है कि इसी सीक्वेंस के लिए वो एक कोड बना है। समझ गए? ओके करूं मैं सोमेन जी? ओके करूं? लेकिन हमारी वैल्यू तो दिखे ही नहीं। वैल्यू क्यों नहीं दिखी हमें? हाँ सर वही बात है, सोमेन जी क्यों नहीं दिखा वैल्यू? पर जीरो जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। हाँ मैम आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या बताया कि अगर आप कोई इन्वर्टर कोमा में डाल देते हैं और जीरो और हैश नहीं लगाते हैं तो आपका नंबर नहीं दिखेगा। हाँ वो टैक्स दिखेगा सर। हाँ इसलिए टैक्स दिख रहा है। तो सबके आगे मुझे जीरो करना। अभी देखिए निगेटिव है, जीरो जीरो डालोगे तो निगेटिव नहीं हाँ दिखेगा, इसमें निगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है। और डीएनए, अब जीरो और हैश तो नंबर्स के लिए होता है ना, बड़े टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के लिए क्या होगा? तो यहाँ पे आपका आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आर्टिकल में नीचे एक मिनट, हाँ यहाँ पे स्पेस लिखा हुआ है, सिंपल लिखा हुआ है कि एट द रेट जो होता है किसके लिए होता है? करेक्टर्स के लिए होता है, लिखा हुआ है ना करेक्टर्स। हाँ जी एट द रेट किसके लिए, और यहाँ भी एट द रेट लास्ट में लगा रखा है। तो हम इसके अब डीएनए के बाद एट द रेट लगाते हैं तब जो है हमारा दिखेगा। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब नंबर भी दिख रहा है। दिख रहा है सर? अब बात करते हैं, दिखा समझ गया ना सर? हाँ आगे सर बढ़ो, दिखा। आगे बढ़ो सर। अब इसमें हम बात करते हैं इसका यूज क्या है। सोमन जी को डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा डाउट है सर। क्या डाउट है पूछिए। वो जो है लिखा है प्रॉफिट लॉस, वो जो सीक्वेंस है सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकता है, पहले नहीं नहीं लॉस नहीं लिखूंगा नहीं फिर नहीं प्रॉफिट नहीं लिखूंगा। नहीं सीक्वेंस नहीं, चेंज नहीं हमेशा कर सकते। प्रॉफिट एंड लॉस ही तो होता है, नहीं नहीं आप पहले इसके अंदर लॉस देखिए, लिखूंगा फिर प्रॉफिट लिखूंगा। नहीं, निगेटिव पॉजिटिव जीरो हैश जीरो और करेक्टर ये सीक्वेंस है, इसका कोई चेंज नहीं कर सकते, इनबिल्ड है सर। ए क्या तो बोलते, कैसे ए समझ सर, आया ए किसके ब्रह्म, लिए ए समझ आया? ब्रह्मा जी की लकीर है, इसको नहीं बदल सकते। नहीं वो क्या मतलब किस चीज पॉजिटिव में काम आती नेगेटिव है? पॉजिटिव एंड निगेटिव जीरो टेक्स्ट। अब इन्वर्टर को जीरो मामले प्रोडक्ट आप इसके जगह कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा। लॉस के जगह पे कुछ भी लिख दीजिए, आप अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख दीजिए, लेकिन निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। और इसके जगह पे कुछ भी लिख दीजिए जीरो को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके जगह पे कुछ भी लिख दीजिए टैक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसके उदाहरण में एग्जाम्पल है सर, किस अच्छा चीज में काम हाँ आएगा उसी के एक जो उसी का सीक्वेंस? एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। अच्छा आप लोग ऑफिस जाते हैं तो आपका ऑफिस का दरवाजा कैसे खुलता है? कहीं पुल होता है सर, कहीं वो नहीं नहीं होता तो है डायरेक्ट खोल लेते हैं या फिर एक्सेस कार्ड यूज करते हैं। एक्सेस का, हाँ वो भी करते हैं सर, लॉक भी होता है तो उसका बेल बजाते हैं। नहीं एक्सेस कार्ड यूज करते हैं ना ऑफिस के, और जनरली ऑफिस मेन डोर तो खुला ही रहता है, आपके जो फ्लोर का डोर होता है वो एक्सेस कार्ड से। बहुत सारे जगहों पे आपने बायोमेट्रिक देखा होगा कि आप हाँ बायोमेट्रिक और अटेंडेंस, हाँ औंठा लगाया और आपका दरवाजा खुल गया, राइट? हाँ देखिए दो अटेंडेंस दो चीजें होती है कि एक तो अटेंडेंस के लिए अलग से स्पेस ही रखा जाता है, लेकिन बहुत सारे सर्वर रूम हो गया तो सर्वर रूम में बहुत सारे जगहों पे क्या होता है एक्सेस कार्ड यूज होता है। लेकिन जब आप डेटा सेंटर पे जाते हैं या फिर आप डीआरडीओ में जाते हैं तो वहां पे थंब चलता है, क्योंकि तो एक्सेस कार्ड की कॉपी की जा सकती है, ठीक है ना? तो जब तक आप थंब को नहीं लगाएंगे तब तक आपका डोर ओपन नहीं होगा, या एक्सेस कार्ड मान लीजिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपके पास अगर अटेंडेंस लगाने के लिए अलग मशीन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अटेंडेंस लगाने के लिए अलग मशीन नहीं है आपके पास, आपका आपका एडमिन क्या करता है कि आप एक्सेस कार्ड यूज करके जो दरवाजा खोलते हैं ना उसी को रीड कर लेता है। तो ये डेटा उसी कंपनी का है कि किसने अपना एक्सेस कार्ड को कितना बार यूज किया है। समझे सोमेन जी? कि पूजा ने 1 जनवरी को एक्सेस कार्ड को 5 बार 9 बार यूज किया है, ये 3 बार यूज किया है, 1 बार यूज किया है, 9 बार किया, 7 बार किया, 0 बार किया। समझ में आ गया?
डेटा क्या समझ में आया आपको? तो एक्सेस कार्ड उसने कितने बार यूज किया पर डे? हाँ, पर डे अपना एक्सेस कार्ड या थंब अंगूठा का उपयोग कितना बार किया है उसका डेटा डेट बाय इस तरह से आ गया। आ गया सर। अब आपकी आपको इसकी प्रिंट आउट निकाल के अपने बॉस को भेजना है एज अटेंडेंस। बॉस कहता है कि जिसने एक्सेस कार्ड यूज किया है इसका मतलब ऑफिस आया है, जिसने नहीं किया वो ऑफिस नहीं आया है। तो एचआर हम लोग की कंपनी में ऐसा होता था कि एचआर टीम ऑपरेशन से डेटा मांगती थी कि आप अपने अपना डेटा दे दो ताकि हम जिस दिन एक्सेस कार्ड नहीं यूज हुआ है और उस दिन अटेंडेंस प्रेजेंट है तो उस पर हम उसके टीम से सफाई मांगेंगे, एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि भैया एक्सेस कार्ड में तो आपका डेटा है ही नहीं, आप अटेंडेंस से प्रेजेंट भेज रहे हैं क्यों? तो अगर गलती है तो गलती स्वीकार करेगा, गलती नहीं तो बोलेगा कि हाँ इस दिन ऑफिस के काम से वो बाहर ही गया था, बाहर ही था या वेकेशन पे आउटडोर गया हुआ था क्लाइंट मीटिंग में चार दिन के लिए। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपल करना है कि जो पॉजिटिव नंबर है उसको करना है पी, मतलब कि प्रेजेंट है। जो जीरो के अलावा जितना भी नंबर है वो क्या है? प्रेजेंट है। जो जीरो है वो अब्सेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास न नेगेटिव है न टेक्स्ट है, राइट सर? लेकिन आर्टिकल कहता है आपका कि इसको आप सिक्वेंसली यूज कर सकते हैं, राइट? एस पूरा यूज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने एमआरपी में सिंगल सिर्फ एक पॉजिटिव को ही लिया था ना। तो सिक्वेंसली आप जीरो तक यूज कर लीजिए, टेक्स्ट यूज मत कीजिए। अब नेगेटिव नंबर आ गया, नेगेटिव क्या होगा? तो ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो मैंने यहाँ पे पी, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में पी लिखा, सेमी कॉलम दिया और स्पेस दे के आगे बढ़ गया, कुछ लिखा नहीं इसमें, ब्लैंक छोड़ दिया और यहाँ पे ए दे दिया। तो पहला पोजीशन हो गया पॉजिटिव नंबर का, दूसरा पोजीशन ब्लैंक खाली हो गया नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव मेरे पास कुछ है ही नहीं था क्या दूँ, तो हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है? और तीसरा क्या है आपका? तीसरा आपका जीरो के लिए है, जीरो, और जीरो पे हमने ए कर, जीरो पे हमने ए कर दिया, ठीक है? समझे सोमन जी? फिर बताइए सर, रिपीट कर दीजिए। देखिए यहाँ आर्टिकल क्या कहता है, पहला पोजीशन पॉजिटिव, दूसरा पोजीशन नेगेटिव, तीसरा जीरो और चौथा टेक्स्ट, कहता है ना? और मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं कि हर दिन आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और जितना जरूरत उतना भी दे सकते हो, दो चीज मैंने बोला आपको। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव और पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव और जीरो है, नेगेटिव नहीं है। तो हमने पहला पी दे दिया जो पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, नेगेटिव नंबर हमें पास नहीं है तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया, और तीसरा हमारा जीरो के लिए है जो कि हमने ए दे दिया। अब समझे? बट नेगेटिव पे जो ए दे दूंगा तो कैसे नहीं होगा क्या? तो क्यों देंगे आप नेगेटिव में? पॉजिटिव में पी दूंगा, नेगेटिव में ए दूंगा। क्यों नेगेटिव में क्यों देंगे? नेगेटिव में क्यों देंगे आप? नेगेटिव मतलब मैंने नेगेटिव धरा है, जीरो पे नेगेटिव धरा है। नहीं नहीं, सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा ना, ऐसे आप बोलिएगा थोड़ी आ जाएगा, ऐसे कैसे समझेगा? आपको एक्सेल के हिसाब से चलना है ना, कि आपके हिसाब से एक्सेल चलेगा? ये बात बताइए। मैंने आपको एक मिनट सोमेन जी, मैंने आपको क्लियर समझाया कि ये सीक्वेंस फिक्स है। क्या है? सीक्वेंस फिक्स है, आपको उसी के हिसाब से वैल्यू डालना है। बात समझ में आ गई? तो आपके पास नेगेटिव नंबर का कोई होगा तब ना नेगेटिव में डालेंगे। Okay. अगर आपके डेटा में निगेटिव है, जैसे इससे पहले एग्जाम्पल में निगेटिव था मेरे पास, तो हमने लॉस डाला ना सर? Okay. अब यहाँ पे निगेटिव है मेरे पास, तो क्या क्यों डालेंगे हम? हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं ना। Okay. हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया है ना यहाँ पे। हाँ तो ब्लैंक छोड़ दिया ना, नहीं ब्लैंक छोड़ दिया, स्पेस नहीं भी देंगे तो स्पेस मैंने आपको समझने के लिए डाला है कि मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, स्पेस नहीं भी डाल सकते हैं हम। अगर इकट्ठा होता तो और ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, और ज्यादा कंफ्यूज होते आप, समझे?
क्योंकि बहुत छोटा है ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, जूम कर लीजिए ना उसको, डबल क्लिक कीजिए, जूम हो जाएगा। नहीं नहीं हो रहा सर। अब ओके कीजिए, देखिए सारे पॉजिटिव्स हो गए और जहाँ जहाँ जीरो था वहाँ वहाँ नेगेटिव हो गया। अच्छा, जीरो वाला ए नहीं हुआ, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? नहीं, बस यहाँ पे मैं जीरो कर देता हूँ। नहीं, हाँ जीरो कर, हम कुछ गलत कर दिए। स्वामी जी ने समझाने के चक्कर में लग रहा है सेमी कॉलन के जगह पे कॉलन ले लिया। अच्छा, यहाँ पे कॉलन ले लिया हो रहा है, अब हो जाएगा। समझ गया सर? अच्छा हाँ सर, दो दो। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको एक्सेल के अकॉर्डिंग चलना है। आप क्या करेंगे उससे एक्सेल को क्या लेना देना है, वो तो अपने अंदर की जो प्रोग्रामिंग है उसको फॉलो करेगा ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे आपका नाम डाल दिया, अब थोड़ी है कि आपका नाम शो हो जाएगा। लेकिन नाम शो होगा कब होगा? जब आपका डेटा नेगेटिव में होगा। समझ गए? ओके सर। लेकिन आपका डेटा अगर है तो डालिए, नहीं है तो अगर आप डाल भी देते हो तो थोड़ी दिखेगा आपको, वो दिखेगा कब? जब वो डेटा आएगा। तो जो आपका इनपुट है उसी को आउटपुट होगा ना। अब इसमें आपका आर्टिकल कहता है कि हम कलर भी कर सकते हैं, दिख रहा है सर? तो बड़ी ब्रैकेट में से मुझे कलर करना है, किसको कलर करना है? जो हमारा टेक्स्ट है एबीसीडी है उसको कलर करना है, जिसको हमने यहां पे आर ई डी ले लिया, रेड रेड ले लिया। लेकिन किसमें लिया है? स्क्वायर ब्रैकेट में। लेकिन हमने सेमी कॉलन से पहले लिया है जो कि गलत है, सेमी कॉलन के बाद लेना है हमें। यहाँ इसको स्पेस देके थोड़ा सा आगे कीजिए और यहाँ पे दीजिए, समझ गए? एंड ओके। तो जितना था कलर रेड हो गया। अब कलर में क्या क्या डाल सकते हैं? तो कलर के लिए आपका आर्टिकल कहता है कि कलर में आप डाल सकते हैं ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, मजेंटा, हेलो, श्यान और रेड। इसके अलावा कोई कलर नहीं डाल सकते। हाँ, कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए कंडीशन लगा रखा है इसने कि ग्रेटर देन, मान लीजिए कोई कॉलन है आपके पास और आप चाहते हैं कि इसमें अगर कोई 100 से ऊपर लिखा है तो अलग कलर हो जाए और नीचे लिखा है तो और भी अलग कलर हो जाए, तो उस केस में आप कंडीशंस डाल सकते हैं कुछ इस तरह से। आप स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे कलर, फिर कंडीशंस लेस देन ग्रेटर देन 100 जो भी देना है, फिर ब्लू और ग्रेटर, दो ही कलर, दो ही कंडीशन डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ठीक है? तो आपका इसके अकॉर्डिंग कलर हो जाएगा। लेकिन इसका यूज नहीं होता है क्योंकि माइक्रो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि आप जो है स्टाइल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है इसका यूज करते हैं, ठीक है? समझे सर? यस सर। अब इसमें एक चीज और आती है, जैसे कि अगर कोई टेक्स्ट लिख रहा है, मान लीजिए कि मैं कंपनी नेम लिख रहा हूँ, राइट? अब कंपनी नेम में मैंने यहाँ पे लिख दिया आईपीटी, यहाँ पे M/S और यहाँ पे मैंने सॉरी इन्वर्टर कॉमा नहीं देना है ना, इसको ऐसे M/S and IPT। तो हर कंपनी नेम के आगे हमें M/S लगाना ही लगाना है, राइट सर? तो यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, कस्टम शॉर्ट में जाएंगे, कस्टम फॉर्मेटिंग में, और इन्वर्टेड कमा में डाल देंगे M/S, ठीक है? M/S और उसके बाद टेक्स्ट के लिए क्या डालते हैं सोमन जी? के बाद जीरो। टेक्स्ट के लिए क्या डालते हैं? वो सर एट द रेट, क्या कहते हैं, एट द रेट, समझ गए? क्योंकि एट द रेट नहीं डालेंगे तो आपका टेक्स्ट विजुअल ही नहीं होगा, समझ गए सर? डबल एमएस आ गया सर। अब टाइप कर दिए थे, अब मैं सिर्फ कंपनी का नाम टाइप करना है, जैसे एक्सेल, जैसे जियो, एयरटेल। अब एड्रेस है मान लीजिए किसी का, अब एड्रेस में बाकी तो चीज है लेकिन लास्ट का जो पिन नंबर और जिप कोड सबका सेम है, तो आप उसके लिए भी यहाँ कर सकते हैं।
यहाँ एट द रेट, ठीक है, और एट द रेट के बाद आप यहाँ पे डाल दीजिए कि दिल्ली 11 0062, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब जो भी एड्रेस लिखेगा से F101 दिल्ली 123, H277, समझ गया सर, वो अपने आप आता जाएगा। हाँ, ये अपने आप विजिबल हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे बोला सर, हुआ है इसको कि हम कोई... जो कस्टम कस्टम का जो फॉर्मूला यूज करते हैं, अगर हमको कोई चीज कई बार रिपीट करना हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हाँ, मतलब कि टाइपिंग को उसको सुधारने के लिए कुछ लिखे कुछ और दिखे कुछ और, इसके लिए भी इसका यूज करते हैं। बिल वगैरह पे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, और डेटा को जैसे अटेंडेंस फॉर्मेट हमने बनाया तो इस पर देखिए इस्तेमाल कर लिया ना हमने, वरना हाँ। मुझे इसमें हाँ। फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ जाता। और VBA प्रोग्रामिंग में भी इसका आगे चल के इस्तेमाल होता है, सीखेंगे आप तो। अब इसमें चलिए एक चीज़ और भी है, मान लीजिए कि आप जो है एक्सेल में पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात है अगर पासवर्ड लिख दोगे तो हर किसी को दिख जाएगा ना, प्रिंटआउट में निकाल सकता है। आप चाहते कि नहीं नहीं मेरा पासवर्ड कोई नहीं देख सके, ऐसे नहीं दिख सके, मैं दूर से खड़ा होकर नहीं देखे, जब तक तो वो क्लिक करेगा इसके ऊपर जाएगा तो पासवर्ड दिखेगा, ऐसे दूर से खड़ा होकर पासवर्ड ना निकाल सके, जब मैं प्रिंटआउट निकालूं तो पासवर्ड ना निकले, समझ गए। तो क्या करते हैं इसके लिए, ध्यान से देखिएगा सर, क्योंकि इस पे आपको होमवर्क मिलने वाला है। यहां पे हम करेंगे, यहां पे जीरो, सॉरी माफ कीजिए, स्टार डबल स्टार, क्या करना है हमें, जस्ट डबल स्टार, ठीक है सर। अब कोई भी नंबर लिखो, दिख रहा है स्टार बन जाएगा, तो हमने क्या किया सर, डबल स्टार, समझ गया आएगा सोमन जी। यस सर। हेलो। यस सर, यस सर, आपको समझ में आया मैम, कस्टम में जाएंगे और यहाँ पे डबल स्टार कर देंगे। जी जी। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप नंबर लिखेंगे तो स्टार में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो नहीं करेगा, नंबर टेक्स्ट करेंगे तो नहीं करेगा, जीरो करेंगे तो कर देगा, टेक्स्ट में नहीं करेगा, निगेटिव करते हैं तो निगेटिव दिखा देगा, क्या सर, स्टार एट द रेट ऑफ लगा देगा तो हो जाएगा। अब यही आपको रिसर्च करना है, आप खोजिए और मुझको बताइए कि सर क्या कोड यूज करेंगे ताकि पासवर्ड चाहे जो डाले वो सब में स्टार दिखाएगा, या स्टार के जगह मुझे हैश यूज करना हो, डैश यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या कोड यूज करेंगे, उसके अलावा कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है आपका, तो कस्टम फॉर्मेटिंग के आप अपने हिसाब से 10 एग्जांपल बना के मुझे भेजोगे, तो आपको दो काम मिल रहा हूं, एक तो है कि आपको 10 एग्जांपल मुझे भेजना है और दूसरा क्या है, इसका रिसर्च करके सॉल्यूशन ढूंढना है,